ठीक है अच्छा अब हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो स्पोर्ट वैक्टर मशीन मैंने कल आपको बताया था ये क्लासिफायर रिग्रेसर और डेंसिटी प्लॉटिंग और बहुत ज्यादा चीजों में यूज होती है बट फॉर नाउ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन बोथ वी कैन यूज स्पोर्ट वैक्टर मशीन ठीक है होते क्या है कैसे चलती हैं मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से स्टेटमेंट पढ़ के सुनाऊंगा उसके बाद आपको मैं अपने अल्फाज में बताऊंगा सो इट्स अ डोअल काइंड ऑफ लर्निंग प्रोसीजर लिंक आपके पास मौजूद है आप पढ़ने की आदत भी डालिए साथ साथ जैसे मैंने पहले आपको बताया और मैं वही लर्न की डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने टू पॉइंट चीजें लिखी हुई हैं पूरा सपोर्ट वेक्टर मशीन ये इतने से पेज में इन्होंने बता दिया ये लें और एंड पे क्या दिया हुआ है इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स कैसे करनी है रेफरेंस कौन कौन से हर एक चीज मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हर एक चीज इसमें दी हुई है तो आर्ट से एक अंदाजा लगा लें आज से एक अंदाजा लगा लें कि जब कभी भी आपको मसला पड़े किसी भी एल्गोरिथम के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और आपको लगे कि यार ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम थोड़ा सा तंग कर रहा है तो शॉर्ट गाइड उसकी लर्न के ऊपर पड़ी होगी लाइक आई एम शोइंग यू हेयर स्पोर्ट वैक्टर मशीन एन सेकंड ठीक है और आपको स्टार्ट में लग रहा होगा कि ये कोई बुला चीज है बिलीव मी प्रोबेबिलिटी है नथिंग एल्स दैट ठीक है इसको हम बड़ी गौर से देखने वाले हैं Uh, पहले हम कर, कवर करेंगे स्पोर्ट वैक्टर मशीन को फिर नाइफ बेस को ठीक है नाइफ बेस की टाइप्स कितनी है आप अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको एक ओवर व्यू मिल जाएगा गोशन नाइफ बेस मल्टीनोमियल कंप्लीमेंट ठीक है फिर ब्रोनॉलिज नाइफ बेस कैटेगोरिकल नाइफ बेस आउट ऑफ कोर नाइफ बेस मॉडल फिटिंग की टेक्निक ये पांच छह पांच टाइप है और इन्होंने सिक्स पॉइंट्स का एजेंडा यहाँ पे दिया हुआ नाइफ बेस को अंडरस्टैंड करने का आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे स्पोर्ट वैक्टर मशीन है सो बड़ा तहमल के साथ हम इन चीजों को पढ़ेंगे ठीक है अगर हम स्पोर्ट वैक्टर मशीन को कम्पलीट करकेर सेल्फ तो कल को आके हम इकट्ठे भी इसे पढ़ने वाले हैं ठीक है सो हमें कोई जल्दी नहीं है कि नाइफ बेस आज फिनिश करके उठना है ऐसा कुछ भी नहीं है स्पोर्ट वैक्टर मशीन को हम गौर से पढ़ेंगे फिर हम आगे काम करेंगे स्पोर्ट वैक्टर मशीन क्या है पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है सुपरवाइज इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर लेबल्स मौजूद हैं ठीक है थीके? अब किस लिए यूज हो सकता है क्लासिफिकेशन के लिए रिग्रेशन के लिए और आप में से कितने लोगों को पता था कि यू कैन ऑल्सो डिटेक्ट आउटलायर्स विद स्पोर्ट वैक्टर मशीन यही वजह है कि जब कभी भी आप किसी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें, तो उसमें नॉलेज अपडेटेड होता है और आपको वो चीजें भी सीखने को मिलती हैं जो एक लेक्चर के अंदर मौजूद नहीं होती ठीक है तो ये इन चीजों को मद्देनजर रखें क्लासिफिकेशन के लिए रिग्रेशन के, ना, के लिए तीन चीजों के लिए स्पोर्ट फैक्टर मशीन आपको हेल्प कर सकती है ठीक है और इनके एडवांटेजेस और क्या क्या हैं सबसे पहला एडवांटेज इफेक्टिव इन हाई डायमेंशनल स्पेसिस डायमेंशन क्या होती है एक डायमेंशन थी कॉलम के अंदर अंदर एक होती रो के अंदर अंदर हाई डायमेंशनल स्पेसिस क्या है जब आपके पास डेटा बहुत ज्यादा बड़ी डायमेंशन में यानी कि आपके पास कॉलम ज्यादा हो अगर सिंपल अल्फाज में देखा जाए मतलब डेटा की जो है वो वेरिएबिलिटी ज्यादा बड़ी हुई हो ठीक है आ, टेंसर्स भी इसके अंदर आ सकते हैं बट वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपका जब डेटा ज्यादा डायमेंशन में यानी कि वेरिएबल ज्यादा हो डेटा के अंदर बेसिकली हम उसको हाई डायमेंशन बोलते हैं यहाँ पे फिर स्टिल इफेक्टिव इन केसेस विर द नंबर ऑफ डिमेंशन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सैंपल्स क्या समझ आई कि अगर रोज से ज्यादा कॉलम्स के नंबर हैं पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर 1000 हजार रोज है और कॉलम्स आपके पास बारह सौ हैं स्टिल इट कैन वर्क दे समझ आ रही बात की सैंपल्स क्या है इंस्टेंसेज रोज समझ आ रही डायमेंशन वो जो कॉलम्स हैं तो अगर उसके नंबर भी ज्यादा है स्टिल इट्स एन इफेक्टिव मेथड फॉर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन ये बेनिफिट ही आपको बताते हैं कि ये एल्गोरिथम कहां पे लगना है नो बॉडी कैन टेल यू के ये एल्गोरिथम कहां पे लगना है अदर देन बेनिफिट्स और ठीक है पहला क्या कि अगर कॉलम की डायमेंशन ज्यादा है मतलब डेटा की डायमेंशन ज्यादा है यू कैन यूज दिस थिंग सेकंड स्टिल इफेक्टिव इफ द नंबर ऑफ डायमेंशन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सैंपल्स ये मैं नहीं कह रहा ये लर्न लाइब्रेरी जिसके पीछे रेफरेंस कौन कौन से हैं ये वाली बुक्स और डिफरेंट किस्म के पेपर्स के रेफरेंस उन्होंने दिए हैं इनमें से ये बातें निकालनी ठीक है so, सो अगर आपको नहीं पता कि ये कहां से इंफॉर्मेशन आ रही है सो यू कैन एक्चुअली गो टू द रेफरेंसिस तीसरी चीज यूज इज अब ऑफ ट्रेनिंग पॉइंट इन द डिसीजन फंक्शन कॉल्ड स्पोर्ट फैक्टर्स सो इट इज ऑल्सो मेमोरी एफिशियंट क्या होता है आप मेरी बात सुनिएगा आपको मैंने ये तो कल बता दिया कि सपोर्ट वेक्टर मशीनस कोई चीज होती है जिसके अंदर एक प्लेन बनता है प्लेन जो है वो सेपरेट करता है दो चीजों को बट आई डिडंट टेल यू वन थिंग कि सपोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं वो क्या चीज है अ सबसेट ऑफ ट्रेनिंग पॉइंट्स यानी कि ये पॉइंट्स जो ट्रेनिंग पॉइंट है उनका सबसेट है उसी में से निकले हुए पॉइंट्स ट्रेनिंग डेटा से निकले हुए पॉइंट्स ठीक है क्या करते हैं जो डिसीजन फंक्शन को बनाने में मदद देते हैं बड़ी इजी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं यहां पे अगर मैं इस चीज को ओपन करता हूं ये जो है ये पूरा डेटा है ग्रीन वाला और ब्लू वाला राइट right? मुझे देख के आप बता सकते हैं इसमें स्पोर्ट वेक्टर्स कौन कौन से बड़ा आसान है अगर आप गौर करें तो स्पोर्ट वैक्टर इसमें से कौन कौन से These are vectors. जो आपका प्लेन बनाने में मदद करते हैं आप ठीक है समझ आ रही बात की बहुत आसान है एक्सट्रीम वैल्यूज नियर टू प्लेन मतलब ये कि जब आप दो चीजों को आपस में डिवाइड करते हैं कि ये ब्लू वाला है ये ग्रीन वाला है वो जो उसके अंदर लाइन लगती है ना वो दो चीजों के बेस पे लगती है कौन कौन सी दो चीजें एक पॉजिटिव हाइपर प्लेन एक नेगेटिव हाइपर प्लेन पॉजिटिव और नेगेटिव हाइपर प्लेन क्या होता है यानी कि पॉजिटिव साइड वाली वैल्यूज की सबसे पहला पॉइंट उस पर जो लाइन एक बनती है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव हाइपर प्लेन

ये कोई इतना कोई मतलब बहुत ही आ, क्या से बोलते हैं मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसको डिटेल में बताता हूँ कि अगर मेरे पास सिर्फ एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट होता ग्रीन का यहाँ इसकी बजाय ये यह यहां पे आता तो मेरा हाइपर प्लेन क्या सेम रहना था नहीं रहना था क्यों द एक्सट्रीम वैल्यू द लोअर एक्सट्रीम ऑफ दैट डेटा सेट विल मेक पॉजिटिव हाइपर प्लेन तो ये यह यहां पे खिसक जाना था ठीक है अगर मेरा यहां पे आ जाता तो क्या ये हाइपर प्लेन सेम रहना था तो इसका मतलब अगर ये यह वैल्यू यहां पे होती तो हाइपर प्लेन भी यहां पे होता इसका मतलब क्या है? यहां पे हाइपर प्लेन होता तो हो सकता था ये तीन के तीन इसमें से गुजर रहे होते ऐसे ही है तो हमें जब वैल्यू डिवाइड करते हैं इस साइड वाले को हम पॉजिटिव हाइपर प्लेन कहते हैं लाइन के इस साइड वाले को हम नेगेटिव कहते हैं। बिकॉज़ तो है है, है, करने को मिलता है? इसके लिए हमें पड़ती है तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा स्पोर्ट वैक्टर मशीन को हम किस तरीके से देखते हैं सारी बात है इसमें अभी वेट्स uh, और बाइसिस को हम देखते हैं फिर इसकी और भी आपको समझ आ जाएगी सॉरी ये पॉजिटिव नेगेटिव या yeah, सॉरी ये वाला नेगेटिव है आई वॉज मेकिंग इट इन डिफरेंट वे ये वाला नेगेटिव है दूसरे वाला पॉजिटिव है सॉरी फॉर दैट उसकी रीजन ये है कि लाइन की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है अगर लाइन इस तरीके से होती देन हमारे पास पॉजिटिव यहाँ पे आता ठीक है सो so, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ये मैंने नहीं देखी थी सॉरी फॉर दैट तो अच्छा जी अब होता क्या है ये वही वाली इक्वेशन है अगर आप इसे गौर से वही वाली लाइन है अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हमने ये वाली सेपरेटिंग हाइपर प्लेन बनता है बेस्ड ऑन दिस वन एंड दिस वन ये नेगेटिव होगा टेलिंग इट रॉन्ग ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा और इसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन बनती है दैट इज समाउ लाइक दिस मैं यहाँ इसको क्लियर कर देता हूँ लाइन को अब आपको समझ आएगी अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास ये जो हमने लाइन गुजारी है ना इसकी ये वाली इक्वेशन हमें हमारे पास आ जाती है और ये वाली जो लाइन है इसकी ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाती है ये इक्वेशन कैसे मैथमेटिकली फॉर्म हो रही है दैट्स अनदर स्टोरी फॉर नाउ जस्ट जस्ट टू कीप इन माइंड जब हम नेगेटिव वन वाला हाइपर प्लेन देखेंगे अगर हमने दोनों के दरमियान में लगाना है तो हमारे पास कौन सा हाइपरप्लेन आएगा जीरो का इसका मतलब है जो ओरिजिनल सेपरेटिंग लाइन है उसकी इक्वेशन के अंदर जीरो आ जाएगा अगर आपने नेगेटिव हाइपर प्लेन देखना है तो माइनस वन आ जाएगा उसकी इक्वेशन के अंदर पॉजिटिव के अंदर प्लस वन आ जाएगा अब ये क्या चीजें हैं हमारे पास इनको गौर से देखते हैं स्पोर्ट वेक्टर मशीन के अंदर फिर हमें और भी आसानी से समझ आ जाएगी यहां पे जो पॉइंट आपको क्लियर करना था दैट वॉज के स्पोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं ठीक है होपफुली आपको स्पोर्ट वेक्टर्स की समझ आ गई होगी राइट right? अगर अभी भी स्पोर्ट फैक्टर में कोई आपका क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क स्पोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं अब यहां पे अगर आप गौर करें उसी एक डेफिनेशन को यूजिंग ट्रेनिंग पॉइंट्स

सिर्फ उन पॉइंट्स को देख रहे हैं विच आर मेकिंग काइंड ऑफ तो हमारे पास ये मेमोरी एफिशिएंट ऑटोमेटिकली हो गया तो इस वजह से ये मेमोरी एफिशिएंट चीज है ठीक है? अब ये तीन पॉइंट आपको समझ आ गए इफेक्टिव हाई डिमेंशनल स्पेस स्टिल इफेक्टिव इन केसेस जहां पे आपके पास रोज कम है और कॉलम ज्यादा एंड देन यूजिंग सबसेट जो स्पोर्ट वैक्टर्स होते हैं स्पोर्ट वैक्टर्स की समझ आ गई ठीक है अब आगे बात लेके चलते हैं ये वर्ड स्टाइल होते हैं। कैसे वर्ड स्टाइल है? कर्नल की बात तो आपको याद होगी कि कर्नल्स क्या होते हैं ठीक है नहीं समझ आई तो इसको भी हम देखते हैं मिनट। जस्ट कीप इन माइंड। इसमें यूज होते हैं कैन बी स्पेसिफाइड फॉर द डिसीजन फंक्शन यानी कि जो हम ये हाइपर प्लेन की लाइन बना रहे हैं ना इसके अंदर ये वाली लाइन इसके अंदर इतनी वर्सिटैलिटी है कि आप हर किस्म का डिसीजन फंक्शन या कर्नल फंक्शन इसके अंदर यूज करके ये डिफरेंट लाइन बना सकते हैं क्योंकि ये लाइन बनती है एक इक्वेशन के बेस पे और उस इक्वेशन के अंदर कोई ना कोई फंक्शन यूज होता है वो फंक्शन जैसे चेंज होगा लाइन की स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगी कैसे मैं आपको अभी एक चीज बताता हूं यहां पर चेक करें ये वाली लाइन कुछ और तरीके से बन रही है एस विद लीनियर कर्नल लीनियर मतलब सीधी लाइन जाने वाला ठीक है ये वाला क्या है ये भी लीनियर कर्नल है अगर गौर करें तो ठीक है यहां पे आर बी एफ कर्नल आ गया क्या है गुलाई के साथ जहां जहां पे ऐसे सेपरेशन हो रही है ठीक हो गया फिर डिग्री थ्री का पोनिनोमियल कर्नल आ गया जो ऐसे ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर एक खम खा रहा है समथिंग लाइक दैट सो इसी वजह से आपके पास जैसे डिफरेंट किस्म के फंक्शन या डिफरेंट किस्म के आप कर्नल यूज करेंगे आपकी लाइन की टाइप शेप उसकी uh, क्या उसे बोलते हैं लोकेशन वो चेंज होती जाएगी एंड ये कब कहां कैसे यूज करना है वी विल सी दैट कि कौन सा कर्नल फंक्शन कब कहां कैसे यूज होना है बट कीप इन माइंड के लाइन हमेशा सीधी नहीं होगी जो पॉइंट यहां पे मैं आपको बता रहा हूं समझ आई बात की लाइन हमेशा ऐसी नहीं होगी इस बोर्ड वैक्टर मशीन में ये लीनियर कर्नल फंक्शन है ये टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है लाइक दिस आरबीएफ की तरह और पोलिनोम डिग्री थ्री की तरह ठीक है तो ये चीजें याद रखिएगा अब इसका मतलब क्या है कि यह वर्सटाइल है जरूरी नहीं है कि आपको एक लाइन सेपरेट आप कर रहे हैं तो आपको दूसरे की समझ नहीं लग रही बट यू कैन एक्चुअली सी दैट अब अगली बात ये है ये अभी आपका क्वेश्चन आया जी क्या एक से ज्यादा लाइन लगा सकते हैं चेक कर लें उसने एक से ज्यादा लगाई है अगर गौर करें तो पहली लगाई दूसरी लगाई तीसरी लगाई चौथी लगाई ऑन द सेम डेटा सेट सेपल को चेक करें सेपल लेंथ की बेस पे और उनको सेपरेट कर दें अच्छा ये आयरस का डेटा है उसने यहाँ पे प्लॉट किया आपको अगर डेटा की सेंस थी आयरस की तो आपको याद होगा तीन किस्म की स्पीशीज है वो क्या कर रहा है इस डेटा सेट में सेपल लेंथ और सेपल विथ की बेस पे स्पीशीज को सेपरेट कर अगर गौर करें ऐसे ही है। ये क्लासिफाई कर रहा है बेस्ड ऑन द लीनियर कर्नल लीनियर कर्नल ने इस तरीके से तीनों को क्लासिफाई किया सेथोसा वर्सिकुलर और वर्जीनिका को यहां पे

सिंपली यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ फीचर्स ज्यादा होगी छब्बीस फंक्शन है आप कहते हैं कि छब्बीस के छब्बीस ने लीनियर फंक्शन को फॉलो करना है इज इट पॉसिबल पॉसिबल नहीं है कैसे नहीं पॉसिबल क्यों क्योंकि हर एक फंक्शन जो है वो उसकी अपनी कर्व बन रही होगी ना हर एक फीचर की तो आप लीनियर कैसे गुजार सकते हैं छब्बीस के छब्बीस के बेस पे इज इट पॉसिबल के जो पहला फीचर है उसी की तरीके से दूसरा फीचर डिवाइड कर रहा हो स्पीशीज को उसी के तीसरा भी है वो उसी की फीचर्स पे तीसरा कर रहा हो सो इज नियरली इम्पॉसिबल तो हमें क्या करना है ऐसा फंक्शन चूज करना है जो ओवर फिटिंग को बचा रहा हो अगर हम कस्टम जो लीनियर को बार बार यूज करेंगे या जो वो वाले जो कॉमन प्रैक्टिस में आते हैं उनको यूज करेंगे तो ये मसला कॉज करेगा और इसीलिए हमें रेगुलराइजेशन जो है इसमें एक क्रूशियल टर्म आ जाती है हमने रेगुलराइज करना है वो क्या चीज है उसको भी देखें बट फॉर नाउ यू कीप इन माइंड कि कर्नल फंक्शन हमने अगर गलत चूज कर लिया तो हमारी जो यहां पे एडवांटेज था ना ये वाला ये हम लूज कर देंगे ओवरफिटिंग की नजर कर देंगे अगर हमने कर्नल फंक्शन गलत चूज किया पहली चीज अच्छा जी

उसके लिए हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है फाइव फाइव फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन या डिफरेंट अदर को यूज करके ठीक है वो कैसे हम करते हैं उसको भी हम देखेंगे जब हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेन की तरफ जाएंगे जो यहाँ पे अवेलेबल है ठीक है यहाँ पे हमें सारी समझ आएगी कि हम किस तरीके से प्रोबेबिलिटी फंक्शन को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाला वो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ लोग इसी को देख के अभी वहीं बैठ हैं कि यार याद करनी पड़ेगी डोंट वरी मैं स्किप कर दूंगा अगर आप नहीं समझना चाहते अगर समझना चाहते तो आई कैन टीच यू तो ये छोड़ दे कोई मुश्किल बात नहीं है वो वैसे ही वो लिखा ऐसे हुआ है को वैसे लग रहा है लेटेन में लिखा हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं है समझ आ जाएगी ओके okay. तो द स्पोर्ट वैक्टर मशीन इन साइकिल टू मेक प्रोडिक्शन फॉर स्पार्स डेटा It must have been fit on such data data for a optimal performance. Use, see, order. I think we should skip this. Reason behind that, dense जब, जब भी कोई हम अन डिमेंशनल आ जाता है जिसके अंदर डायमेंशन जो है वो ज्यादा जैसे tensors आ जाते हैं matrix आ जाते हैं हमारे पास डेटा ऐसा आ जाता है जिनकी dimension जो है वो

अब इसी के अंदर वो कहते हैं ना कि राज पोषिदा है वो कौन से राज हैं? आपको भी मैं फिंगर टिप्स पे बताने वाला हूं यहां से मैं इसको करता हूं स्टॉप अब आपको सिर्फ मैं नजर आ रहा और मेरे साथ भी मैं ही हूँ अब सुनिएगा जो चीजें हमें यहां पे समझ रही है पहली चीज सुपरवाइज मशीन लर्निंग है, राइट दूसरी चीज क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं रिग्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं और आउटलाइट डिटेक्शन के लिए फिंगर टिप्स में बता रहा हूँ कि हमने क्या कैसे किस वजह से करते हैं इसमें ठीक है मतलब क्लासिफिकेशन रिग्रेशन और डिटेक्शन अगर आपसे कभी कोई पूछे कि कैसे डिटेक्ट करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि method, और साथ में ये भी कह सकते हैं एस वी आर के थ्रू या एस वी एम्स के थ्रू ठीक है कैसे करना दैट्स अनदर स्टोरी वी विल सी दैट एडवांटेज क्या है हाई डिमेंशनल के लिए यूज हो सकता है रोज का नंबर कॉलम से कम हो तब भी ये यूज किया जा सकता है और ये इतना वर्सटाइल है कि इसके अंदर डिफरेंट कर्नल्स के फंक्शन लगा के हम वर्सटैलिटी को यानी कि हाई डिमेंशन डेटा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्लासीफाई कर सकते हैं ठीक है फिर आ जाता है हमारे पास कर्नल फंक्शन कर्नल फंक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा है हमारे पास यहाँ पे कुछ कॉमनली प्रोवाइडेड है हम अगर हमें पता हो कि कौन से कर्नल फंक्शन कहाँ पे यूज होता है तो इसकी वर्सिटैलिटी अच्छी है अगर हम गलत कर्नल फंक्शन यूज कर लेते हैं तो क्या होगा हाई डिमेंशनल डेटा वाला हम पॉइंट जो है वो ग्रैब नहीं कर सकते फिर ये डायरेक्टली हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं देता फॉर दैट वी हैव टू डू एन एक्स्ट्रा वर्क सही है क्लासिफिकेशन के लिए सो वेक्टर मशीन यहां तक आपको समझ आ गई होगी अब आगे चलते हैं इसमें फिंगर टिप्स में मैंने इस वजह से आपको बताया था कि आपको समझ आ जाएगी क्या चल रहा है यहाँ पे ओके कोड मैंने कल आपको करके दिखा दिया था कोड मुश्किल नहीं है वो सेम स्टोरी है मॉडल लगा के और वो फिट करना वो सारा कुछ वही है लेकिन इसको समझना जरूरी है कि इसके अंदर क्या चल रहा होता है अच्छा जी हम स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स के साथ बाइनरी क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन यहां पे हुई है ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है ठीक है क्यों तीन स्पीशीज को उसने क्लासिफाई किया है डिफरेंट प्लेन के अंदर ठीक है और हमारे पास जो बेसिकली तीन किस्म की क्लासिफिकेशन या क्लासेस जो है वो यूज की जाती एन यू एसवीसी और एसवीसी ठीक है लीनियर एसवीसी के अंदर कौन सा होता है जो कर्नल हमारे पास लीनियर कर्नल होता है सही हो गया अब यहां पे अगर हम इसको बारी बारी देखें कि एसवीसी क्या होती है तो SVC जो है वो SVM के अंदर है C vector classification है ये अगर आपको नाम याद करना चाहे तो स्पोर्टर क्लासिफिकेशन और बहुत ज्यादा तौर पर यही यूज होती है जब आप इंपोर्ट करते हैं ये वही चीज है जो हमने कल किया था फ्रॉम एसके लर्न डॉट एस वी सी इम्पोर्ट ठीक है सेकेंड है एन यू एस सी इसको बोलते हैं एनयू स्पोर्ट वैक्टर मशीन ठीक है सिमिलर टू एसवीसी है बट अ पैरामीटर टू कंट्रोल द नंबर ऑफ यूजामी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कितने हैं कौन से स्पोर्ट ये वाले ये कितने लेने हैं एक लेना है दो लेना है तीन लेने चार लेने पांच लेने छह लेने कितने लेने हैं ठीक है थीके? आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं वापस चलते हैं लीनियर एसवीसी देखते हैं सिंपली क्या है क्या जी लीनियर एसवीसी और एसवीसी दोनों में फर्क ये है कि आप और करें जरा यहां पर भी लीनियर फंक्शन है यहाँ पे लीनियर है लेकिन इसमें कर्नल जो है लीनियर फंक्शन का आ गया और इसमें एक और खासियत है कि ये लॉस और ऑप्टिमाइज फंक्शन को यूज करके अच्छी आपको क्लासिफिकेशन करके देता है ये दोनों क्या चीजें होती हैं बिलीव मी मिंगी है जो बेटर परफॉर्म करती है एस के साथ एस से तो ये तीन क्लासेस आपको याद रहेंगी लीनियर एस वी सी बी और एस ठीक है एस क्या है स्पोर्ट वैक्टर क्लासिफिकेशन सिंपल क्लासिफिकेशन एन एसवीसी क्या है जिसके अंदर नंबर ऑफ स्पोर्ट वैक्टर मशीन आप बता सकें एन NU यू आप नंबर से रख ले रख सकते हैं अपने माइंड में तीसरी चीज आपके पास लीनियर एस सी है वो क्या है वो एस सी की तरह ही है लेकिन इसके अंदर ये थोड़ी सी ज्यादा रोबस्ट है इसके अंदर आप डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं सही आगे बात यहां पे आपको एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ जाते जाते वो पॉइंट ये है अगर हम मॉडल इज इक्वल टू एस वी सी रखते हैं ऐसे हम ब्रैकेट लगाते हैं हम ऐसे मॉडल इंपोर्ट करते हैं ना वैसे बाय द वे जब हम मॉडल कोई भी क्रिएट करते हैं ऐसे करते थे ना अगर इस ब्रैकेट के अंदर मैं बताऊं कि नंबर ऑफ स्पोर्ट इक्वल टू टेन तो ये जो चीज हमने लिखी है दिस इज कॉल्ड हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के उस मॉडल के पैरामीटर को ट्यून करना समझ लग रही बात की और ये मशीन लर्निंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है मैं अभी आपको यहां पे भी करके दिखा देता हूं कि ये किस तरीके से काम करती है क्योंकि चीज वो जो आपके सामने की जाए सिर्फ हवा में ना बताई जाए तो बेहतर है अदरवाइज आपको लग रहा है कि ज्यादा ही मुश्किल काम चल रहा है सो दिस इज हाउ स्पोर्ट वैक्टर मिशी वर्क मैंने कल कर आपको करके दिखाया था ठीक है यहां पर अगर पावर करें तो हमने ये चार लाइब्रेरीज लिखी थी ठीक है फिर हमने स्पोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, एसवीसी यहां पर इम्पोर्ट किया था राइट ऐसे ही हुआ था ना फिर ट्रेन टेस्ट और बाकी चीजें आ गई थी अब यहां पे जब हमने स्पोर्ट वैक्टर क्लासीफायर लगाया तो सबसे पहले मैंने इसको एसवीसी को इज इक्वल टू एसवीसी कर लिया ठीक है इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूं इसके अंदर जो चीजें आप लिखेंगे हाइपर ऑफ दैट मॉडल सही है ये वाले जो होते हैं जो इस ब्रैकेट के अंदर आते हैं इसको हाइपर पैरामीटर बोला जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो जब कुछ नहीं लिखा गया तो वो सारे के सारे पैरामीटर्स डिफॉल्ट सेटिंग पे हैं डिफॉल्ट सेटिंग क्या होती है जो कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है ठीक है अब इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको अभी बता देता हूं यहां पे डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर एस में आपके पास लीनियर फंक्शन होगा ऑटोमेटिकली अगर आपने चेंज करना है सॉरी कर्नल अगर चेंज करना देन यू हैव टू डिफाइन कर्नल इज इक्वल टू आरबीएफ वो कहां पे आपने डिफाइन करने यू हैव टू डिफाइन दैट इन साइड दीज ब्रैकेट ठीक है समझ आ रही ना बात की अब ये मैं सारा कुछ यहां पे रन करता हूं और ये भी रन करता हूं और आपको बताता हूं कि ये पैरामीटर्स हम कैसे निकालते हैं एस वी सी डॉट गेट ये हैं जी सारे पैरामीटर्स जो आप चेंज कर सकते हैं उसके अंदर उन ब्रैकेट्स के अंदर जो चीजें आप चेंज कर सकते हैं दीज आर दो पैरामीटर्स ठीक है <coughs> अब ये जो पैरामीटर्स हैं ये कौन से बेस्ट हैं कितना नंबर होना चाहिए नो बॉडी कैन टेल यू इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डेटा इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डेटा क्लीनिंग प्रोसेस प्री प्रोसेसिंग डेटा की स्केलिंग और बाकी काफी चीजें अब आप खुद सोचें जो कल हम हॉट इनकोडिंग या लेबल इनकोडिंग कर रहे थे वहां पे मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग को नोमेरिक के अंदर कन्वर्ट करना है राइट right? अगर आप नोमेरिक के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ये समझेगा कि वहां पे कितना ज्यादा टेक्स्ट मौजूद है बजाय इसके कि मैं लिखूं कि डॉक्टर मोहम्मद अमार मैं लादवा, दामत, मर का तो फैल फलां वो क्योंकि बाबा अमार चल रहा है ना मैं इस वजह से लगा रहा हूँ तो मेरा इतना बड़ा नाम लिखने के बजाय डायरेक्टली अगर मैं लिखूँ पर्सन वन तो वो ज्यादा बेटर नहीं समझ लेना बात को कितना कम प्रोसेसिंग टाइम लगेगा इसी तरीके से जब आपने इन पैरामीटर्स को छेड़खानी करनी है ना समझ ले आपके लैपटॉप पे सिलेंसर लगना पड़ जाएगा, लगाना पड़ जाएगा इतनी छोड़ेगा आपका लैपटॉप ये पहले मैं इस वजह से बता रहा हूं, कुछ लोग क्या करते हैं वो कहते हैं कि जी स्पोर्ट फैक्टर सौ ले लो ओ भाई दो तीन काफी है एस बी एम नंबर जो है वो सौ ले लो पचास ले लो डोंट डू दैट जब तक आपको समझ नहीं है कि ये क्या चल रहा है क्यों चल रहा है ठीक है फिर ये जो पैरामीटर्स हैं ये कहाँ से आपको पता चलेगा आपने कौन कौन से चूज करने हैं यू कैन गो डायरेक्टली ऑन द एल्गोरिथम और उसके पैरामीटर यहां से आप चेक कर सकते हैं साइकड लर्न की लाइब्रेरी के ऊपर ठीक है बट फॉर नाउ गेट प्राइम्स इज वन ऑफ द थिंग्स ठीक है समझ आ गई कि किस तरीके से पैरामीटर्स हमने देखने होते हैं अब जनाब यहां पे कैसे आपने स्पोर्ट वेक्टर लगाना है ये यह यहां पे बताया हुआ है मैं डायरेक्टली यहां पे जाता हूं आपने इस तरीके से एस के लर्न के अंदर से एस वी एम निकालनी होती है मैंने आपको बताया कि एस वी एम के बजाय आगे एस वी सी डायरेक्टली इम्पोर्ट कर लें जैसे मैंने आपको बताया था फिर उन्होंने एक्स वाई अपना बना लिया खुद से ठीक है और यहाँ पे उसने सीएलएफ कर दिया यानी कि सी एल एफ का मतलब होता है क्लासीफायर जब भी सी एल एफ लिखा है इसका मतलब है क्लासीफायर ठीक है फिर उन्होंने फिट किया ये मतलब वही चीजें हैं जो हमने कल की थी ठीक है फिर उन्होंने प्रोडिक्शन ली एंड देन दे वेंट ऑन विद स्पोर्ट देस कौन कौन से हैं अरे कौन कौन सी हैं ठीक है और ये सारी चीजें जब आप एक मॉडल बना लेते हैं ना उस मॉडल से आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि अच्छा भाई अब मुझे बताओ कि मेरे जो स्पोर्ट फैक्टर्स थे वो कौन कौन से थे ठीक है उसके लिए आप फंक्शन लगाते हैं स्पोर्ट फैक्टर्स कैसे अभी आपको मैं करके दिखाता हूं यह आपके सामने स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको राइट right. अब यहाँ पे एक छोटा सा काम हम करते हैं हमने एस लिखा हुआ है एस हमारा जो क्लासीफायर है मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट अब यहाँ पे आप इसके सेट कर सकते हैं पैरामीटर्स डॉट सेट पैराम्स तो ये मॉडल क्या करेगा उसको सेट कर देगा जो जो मैं पैरामीटर्स लिखूंगा सो दिस इज वन ऑफ द वेज जो ब्रैकेट के अंदर मैं बोल रहा था वहां पे भी लिख सकते हैं सेकंड थिंग इज जो आपके पास स्पोर्ट ये मैं लिखूंगा ना। तो ये स्पोर्ट आ चुके हैं जिनकी बेस पेपर प्लेन बने मैट्रिक्स की फॉर्म में है अगर आपको मैट्रिक्स का पता है तो फिर दूसरा एक और चीज आती है इंडस्ट्रीज ऑफ स्पोर्ट वो अगर लेने हैं, तो मैं सिंपली इसके साथ ही लिख सकता हूं स्पोर्ट सिंपली ये तो ये मेरे पास उसके इंडस्ट्रीज आ गए कि कौन कौन से स्पोर्ट के ऊपर इंडस्ट्रीज हमारे लाइक like कर रहे हैं सही है तो सिंपली ये कि स्पोर्ट वेक्टर्स को बनाने के लिए जो हमारी चीजें यहाँ पे यूज हुई हैं ठीक है थीके? अब अगर आपने लेने नंबर ऑफ स्पोर्ट वेक्टर्स फॉर ईच क्लास जो हमारे डेटा के अंदर क्लासेस थी तो हम यहां पे लिखते हैं एंड स्पोर्ट समझ आ गई दो क्लासेस थी ना हमारी स्पोर्ट वेक्टर की याद है कल वाला डेटा मैं आपको दिखा देता हूं दो थी क्यों क्योंकि सर्वाइवड जीरो या वन था बाइनरी क्लासीफाइड नहीं था ऐसे ही है तो बाइनरी के लिए हमारे पास 268 यहां टू सिक्स फोर यहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव अगर दोनों को देखा जाए नेगेटिव हाइपर प्लेन के कितने स्पोर्ट फैक्टर्स हैं और पॉजिटिव के कितने सो आप एक ही गो के अंदर बहुत कुछ यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है अच्छा जी अब हमारे पास स्पोर्ट वेक्टर मशीन को समझने के लिए जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं ये एक बेसिक नॉलेज है अगर आप स्पोर्ट वेक्टर मशीन को मतलब लगाते हैं ना तो आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीज कैसे ट्यून कर रहे हैं इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं मल्टी क्लास को कैसे करेंगे मल्टी क्लास के लिए सिर्फ आपके y के अंदर दो से ज्यादा वैल्यूज होना जरूरी है कहाँ पे गया वाय ये वाला वाई सर्वाइव की बजाय यहाँ पे आप दो से दो या दो से तीन या तीन से ज्यादा वैल्यूज आप यहाँ पे रखें मल्टी क्लास क्लास ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली हो हो जाना so हो जाना है है सो यू डोंट नीड टू डू मल्टी मल्टी तो क्लास क्लासिफिकेशन -class कोई इतनी मुश्किल नहीं है बट देर आर मेनी अदर थिंग्स इन मैनी जिसमें आपके पास एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे बताया गया कि मार्जिन सेपरेटिंग एस का हाइपर प्लेन कैसे बनाना है नॉन लीनियर एस क्या होती है लीनियर तो होगी ना ये वाली दोनों नॉन लीनियर ये वाली होगी आरबीएफ कर्नल के साथ वाली जो है और आपकी पोलिनोम वाली ठीक है वो देख सकते हैं फिर एस वी एम अनोवा जब हम अनोवा और स्पोर्टैक्टर मशीन को कंबाइन करेंगे then we will see that example. बाकी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का सिंपली यही है कि आप वाई के अंदर ना डिफरेंट क्लासेस देने दो से ज्यादा एंड सेम एनोलॉजी सेम चीजें और आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप 15 से 17 मिनट यहाँ पे लें मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ अपनी स्क्रीन को लिंक आपके पास मैंने आपको दे दिया आप यहाँ से अब मैं जो लाइव स्ट्रीम है उसे मैं स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि हम अब जूम के